बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। हमने हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए और नॉलेज के लिए सादा फहम तरीके से जेनेटिक्स यानी कि साइंस मरूसियत, जो साइंस मरूसियत को एक्सप्लेन करती है, उसके मतलब हमने बताने का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में हमने लव बर्ड्स के ऊपर अभी तक 17 वीडियोस हम पेश कर चुके हैं और हमारे चैनल के ऊपर लव बर्ड्स की लव बर्ड जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप सारे के सारे 17 वीडियोस के लिंक्स देख सकते हैं। और अभी हम रिंग नेक और रात तोतों की हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक्स के ऊपर बताने जा रहे हैं। ये बड़ी इनकलाबी वीडियो हम देने जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि लुटिनो अलेक्जेंड्रिया पैराकीट जो है वो कीमती तरीन, इतना कीमती कि इसकी कीमत जो है वो कैटोज और मकाओ के करीब ठहरती है, उसके मतलब बताएंगे। और ये भी बताते चलें कि आइंदा हम रोजीला और दीगर तोतों जैसे कॉकटेल वगैरह इनकी जेनेटिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ हम लाने जा रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर 1 है जिसमें मैं बता रहा था कि लुटिनो अलेक्जेंड्रीन पैराकीट जिसको हम पीले रात तोते भी कहते हैं, यानी कि रात तोते से मुराद के ऐसे तोते जिनके शोल्डर्स के ऊपर मैरून कलर का पैच होता है, या तस्वीर में भी देख सकते हैं। और ये अमूमन जो है ग्रीन कलर में पाया जाता है, लेकिन इनको जब हाइब्रिड के तौर पर जब क्रॉस करवाते हैं एक लुटिनो नॉर्मल रिंग नेक के साथ तो लुटिनो अलेक्जेंड्रीन पैदा होता है। और आज की वीडियो में हम यही सिखाएंगे कि आप इसको खुद से कैसे बना सकते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करते चलें कि अल्लाह की ज़ात है और नवाजती है सिर्फ मेहनत और सब्र के ऊपर। तो आज की वीडियो में जो तरीका बताने जा रहे हैं इसमें मेहनत भी चाहिए और सब्र भी चाहिए, लेकिन इसका रिटर्न आप सबको मालूम है कि कितना ज़्यादा कीमती रिटर्न है। तो आज की वीडियो हम 7 स्टेप में पेश करेंगे, यानी कि 7 स्टेप से मुराद कि अगर आपने इसकी आला तरीन क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं तो इसको 7 स्टेप्स के ऊपर पैदा करते हैं। अदरवाइज़ 2 स्टेप्स के बाद भी लुटिनो अलेक्जेंड्रीन पैराकीट पैदा हो जाता है, लेकिन ये उस क्वालिटी का नहीं होता जिस क्वालिटी का हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आज की जो वीडियो हो मेहनत और सब्र का मंबा साबित होगी, क्योंकि हर स्टेप पे जो भी ब्रीड आ रही है उसकी क्वालिटी पहले से इम्प्रूव होती जाएगी और 7वें स्टेप के बाद जो रेयरेस्ट क्वालिटी है, द फाइनेस्ट क्वालिटी है, वो प्रोड्यूस होगी। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप 1 के ऊपर आप जो मेल है वो अलेक्जेंड्रियन पैराकीट जिसको रा पहाड़ी कहते हैं उसका सादा मेल लेंगे और उसकी जो जीनोटाइप है वो एक्स और एक्स, क्योंकि मेल में दोनों जीन जो हैं वो एक्स और एक्स होते हैं और ये ग्रीन कलर कैरी करेंगे तो दोनों के दोनों एक्स होंगे। और फीमेल लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं आप नॉर्मल येलो रिंग नेक की फीमेल लेंगे जिसका जीनोटाइप एक्स इनो और वाई इनो, चूँकि फीमेल में एक्स और वाई इनो होता है और दोनों ही चूँकि इनो जीन्स कैरी करेंगे तो दोनों जीनोटाइप इसका एक्स इनो और वाई इनो होगा। और एज ए रिजल्ट जब इसको क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो रिजल्ट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के जो विजुअल बच्चे हैं वो पैदा होंगे जो कि स्प्लिट होंगे। स्प्लिट से मुराद कि इनमें दो के कलर ग्रीन नज़र आएगा लेकिन इस पर इनो के जीन्स भी इसके अंदर होंगे और जो फीमेल्स होंगी वो नॉन लुटिनोज होंगी, यानी कि उसमें लुटिनो कलर नहीं होगा। चारों स्टेप्स के रिजल्ट्स पे आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में आपने जो स्प्लिट पैदा हुए थे स्टेप 1 में, जिनको हम जनरेशन 1 स्प्लिट कहेंगे, अब जनरेशन 1 के जो स्प्लिट हैं वो आप सेकंड स्टेप में उनको उनके मेल्स को यूज करेंगे जिनकी जीनोटाइप होगी एक्स और एक्स इनो, और आप सादा अलेक्जेंड्रीन की फीमेल मादी जो है वो यूज करेंगे जिसकी जीनोटाइप एक्स और वाई होगी। उनके क्रॉस ब्रीड के ऊपर दो कलर के परिंदे जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे जिसमें ग्रीन भी होंगे लुटिनोज भी होंगे। और इसमें ये आपको बताते चले कि फीमेल में दोनों कलर आएंगे, ग्रीन भी आएगा और लुटिनोज भी आएंगे, और मेल में सिर्फ ग्रीन कलर आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आपने स्प्लिट जो पैदा हुए इनको हम सेकंड जनरेशन स्प्लिट कहेंगे। अभी तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेप में आप अभी अलेक्जेंड्रियन जो नॉर्मल है रा पहाड़ी की आप मेल नर यूज़ करेंगे और उसको क्रॉस करवाएंगे लुटिनो के साथ, उसकी जीनोटाइप होगी एक्स इनो और वाई इनो, ये जो फीमेल है और मेल की एक्स और एक्स, और इस पे प्रोड्यूस क्या होगा सारे के सारे ग्रीन बच्चे, विजुअली ग्रीन बच्चे पैदा होंगे जो कि स्प्लिट भी होंगे और नॉन लुटिनो
जीन्स भी कैरी करेंगे। नॉन लेटिना जीन्स जो कैरी करेंगे वो फीमेल होंगी और जो प्योर स्प्लिट होंगे वो मेल पैदा होंगे और इनको हम थर्ड जनरेशन स्प्लिट कहेंगे। अब स्टेप फोर के ऊपर थर्ड जनरेशन स्प्लिट को जिनकी जीनोटाइप एक्स और एक्स इनो है इसको आप क्रॉस करवाएंगे अलेक्जेंड्रियन नॉर्मल रा पहाड़ी की मादी जिसकी जीनोटाइप एक्स और वाई होगी उसके साथ क्रॉस करवाएंगे और इसमें आपके दोनों रंगों के बच्चे पैदा होंगे जिसमें ग्रीन भी होंगे और लटिनो भी होंगे और जो मादी होंगी उसमें दोनों कलर आएंगे। इनकी जो मादी बच्चे होंगे दोनों कलर्स में होंगे ग्रीन में और लटिनो में भी और मेल सिर्फ ग्रीन में होंगे जो स्प्लिट आ रहे हैं वो सिर्फ ग्रीन कलर में होंगे और इनको हम जनरेशन फोर स्प्लिट कहेंगे। अभी स्टेप फाइव की तरफ चलेंगे। स्टेप फाइव में आप नॉर्मल अलेक्जेंड्रियन का मेल जिसके जीनोटाइप एक्स और एक्स है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसको क्रॉस करवा रहे हैं फोर्थ जनरेशन जो पिछले स्टेप में लटिनोज निकले थे यानी कि एक्स इनो और वाई साथ उसके साथ इसको क्रॉस करवाएंगे और रिजल्ट में सारे के सारे ग्रीन आएंगे बच्चे जिसमें से जो मेल होंगे वो स्प्लिट होंगे और फीमेल प्योर सादा ग्रीन अलेक्जेंड्रियन होंगे। अभी चलेंगे स्टेप सिक्स के ऊपर। फिफ्थ जो स्टेप के या फिफ्थ जनरेशन के स्प्लिट जिनका जीनोटाइप एक्स और एक्सिनो है उनको सादी अलेक्जेंड्रियन की फीमेल जिसका जीनोटाइप एक्स और वाई है उसके साथ क्रॉस करवाएंगे। अभी इसमें दोनों कलर्स के विजुअली बच्चे आएंगे ग्रीन भी आएंगे और येलो भी आएंगे येलो या लटिनो और इसमें भी स्प्लिट जो है मेल वो सारे के सारे ग्रीन होंगे और जो मादी हैं वो ग्रीन भी होंगी और लटिनोज भी होंगी और ये पैदा करेंगे सिक्स जनरेशन स्प्लिट। अभी चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ। आखिरी स्टेप जो है वो लोगों की कई ओपिनियन है लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसके मुताबिक आपने सेवन्थ स्टेप के ऊपर जो फिफ्थ जनरेशन स्प्लिट हैं आप पीछे देखें स्टेप फाइव के बाद जो स्टेप स्प्लिट निकल रहे हैं उनको आप एज ए मेल वो वाले स्प्लिट यूज़ करेंगे जिनके जीनोटाइप एक्स और एक्स इनो है और उसको आप क्रॉस करवाएंगे जनरेशन सिक्स जो पिछले स्टेप में स्टेप सिक्स के बाद जो लटिनोज निकले थे उसकी फीमेल जिसका जीनोटाइप होगा एक्स इनो और वाई इनो इसके साथ क्रॉस करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो बच्चे निकलेंगे वो दुनिया के सबसे रेयरेस्ट और सबसे खूबसूरत और तमाम ब्रीड क्वालिटीज़ के ऊपर उतरते हुए वो पैदा होंगे और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने इस सारी मेहनत में कामयाब हों। और इसके साथ ये भी अर्ज़ करते चलें कि हमने अभी जो ड्रिंग नेक की सीरीज शुरू की है इसमें हम जिस तरह लव बर्ड सीरीज़ में हमने 17 वीडियोस दी इस तरह इसमें भी हम बेतहाशा वीडियोस लेकर आएंगे। इसके अलावा बाद में रोज़ीला कॉकटेल वगैरह पर भी लेकर आएंगे। तो इसलिए आज ये है कि नादिया पेट्स क्रॉस के साथ मुस्लिक रहें और हर दो दिन के बाद हम वीडियो पब्लिश करते हैं रात को 9 बजे। शेड्यूल जो है हम मैसेजेस के ज़रिए कम्युनिटी फोरम के ऊपर हमारे यूट्यूब के चैनल की उसके ऊपर हम सबको काफ़ी दिन पहले इंटीमेट कर देते हैं। तो अगली वीडियो 2 दिन के बाद रात को 9 बजे। चैनल के साथ मुस्लिक रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मैसर हों। थैंक यू वेरी मच।